Hey guys, welcome back. This is Divya Malhotra and finally, the wait is over. आप लोगों को जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे भेज रहे थे, फाइनली आज वो घड़ी आ गई है. आज वो वीडियो मेरे चैनल पर फाइनली आउट हो चुकी है. एंड आप लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं उनकी मैं बहुत बड़ी खुद ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. बहुत ज़्यादा अडोर करती हूँ मैं उनको. एंड मैं खास करके चाहती हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं आज के, उनमें से जितने भी इंजीनियर्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप इंजीनियर हैं तो आप ये मत सोचें कि आप सिर्फ दुनिया भर की किताबों में ही घुसे रहेंगे. आप एक डांसर बन सकते हैं, आप एक सिंगर बन सकते हैं, आप एक एक्टर बन सकते हैं, या एक पुलिस वाले बन सकते हैं. तो गाइस, अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को उनसे मिलवा ही देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. प्लीज वेलकम द गजब मिस्टर बी फॉर बिहान पांडे एंड नाउ एज भीम सिंह भुल्लर मिस्टर मनीष गोपलानी. तो आपको पता है कि आपने अपने एक्शन सीन से कितने सारे लोगों का दिल जीता, स्पेशली लड़कियों का. तो लड़कियों ने आपको देख देख के अपने बॉयफ्रेंड गोल्स बनाए हैं, हस्बैंड गोल्स बनाए, लव गोल्स बनाए. तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता कि यार मैं तो सिंगल हूँ? एंड आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं लव में बिलीव नहीं करता, जैसे बड़े होते रहते हैं तो मिलावट होती रहती है लव में. बिल्कुल. तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता कि यार मैं कहाँ सिंगल बंदा और इन रियल लाइफ के लोग मुझे देख कर बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड गोल्स बना रहे हैं? एक्चुअली इसके दो रीज़न है. एक तो पहले सबको पता ही कि मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता हूँ, और दूसरी चीज़ गोल्स बना रहे हैं वो मुझे थोड़ी पता है. वो तो आपस में वो लोग बात करके आपस में मांडवली कर लेते हैं, मुझे तो किसी ने बताया नहीं. थाहान एंड बिपकी के आप ग्रुप्स जो भी इंस्टाग्राम फैन पेजेस है वो तो आप देखते हो? बिल्कुल, वो तो प्यार है उनका यार. तो ऑफ कोर्स आई डू रिस्पेक्ट. पता लगता होगा कि वो गोल्स जो बन रहे हैं. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम कोशिश करते हैं एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने की, तो बखूबी अगर वो निभा सके हम कैरेक्टर तो बड़ा अच्छा लगता है सबको. लेकिन ऐसा रियल लाइफ में लोग कम होते हैं, स्क्रिप्टेड लोग बहुत सारे होते हैं. तो मैं स्क्रिप्टेड था, सो प्लीज़ डोंट चेंज योर बॉयफ्रेंड्स, बी विद देम, बी हैप्पी. तो जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, आप इंजीनियरिंग कर चुके हो? बिल्कुल. आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी से. आपके फादर का टेक्सटाइल बिजनेस है? बिल्कुल. ठीक है. आपने एक्टर बनना नहीं था? तो सोचा नहीं था. छोड़कर थिएटर में कैसे आया? मुझे कुछ ना कुछ हमेशा से ना एक यूनिक चीज़ की तलाश थी कि मैं कुछ यूनिक करूं यार, क्योंकि मेरी सोसाइटी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उसमें कोई भी इस इंडस्ट्री से या कहीं से दूर दूर तक कोई नाता नहीं किसी का. तो ऐसे कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में मैंने इंजीनियरिंग की, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा, मेरे को लगता था यार थोड़ा सा बहुत अच्छा चलता अपना दिमाग ना, तो अपन कुछ अच्छा करते हैं. तो मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया गो फॉर इंजीनियरिंग, गो फॉर साइंस फर्स्ट. आफ्टर टेंथ मैंने सवाल किया था कि यार मैं क्या करूँ लाइफ में, मेरे को समझ नहीं आ रहा. तो भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि तेरा दिमाग जो है ना तू साइंस वाला बन. मैंने ओके, मैंने साइंस ले ली, साइंस प्लस मैथ्स. मैथ्स मेरी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है और हमेशा रहेगा, आई विश. तो फिर मैं इंजीनियरिंग में आ गया, और इंजीनियरिंग में भी मुझे कंप्यूटर्स एंड ये सब केमिस्ट्री वगैरह ये सब से नफरत थी, तो मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहाँ थोड़ा फिजिकल भी हो, थ्योरी भी हो, सब कुछ हो, प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी बोथ. तो इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग में मज़ा आ गया मुझे. मेरे दिमाग जो थोड़ा सा स्ट्रांग था, मेरे भाई का कहना है, वैसे ही अब और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया. तो फिर मुझे कुछ और यूनिक करना था. इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने थिएटर को डिस्कवर किया, मतलब थिएटर नाम की भी कोई चीज़ होती है जहाँ आपको परफॉर्म करना होता है, जो कुछ आपको आता है, मतलब लाइक जैसे आप हो, आपने कोई स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, डांस करना है, जो भी करना आप स्टेज के माध्यम से कर सकते हो. आई थॉट ओके लेट्स डू इट, करते हैं ट्राई. वो ट्राई किया तो उसमें इतना इंटरेस्ट जाग गया चार साल में, मतलब चार साल इंजीनियरिंग के मुझे याद नहीं है जितने मुझे चार साल थिएटर से प्यार हो गया. तो वो चार साढ़े चार साल थिएटर मैंने मन से किया, और वहाँ ऑडिशंस हुए. लकीली कभी मैं गया ही नहीं किसी ऑडिशन के लिए, जहाँ जहाँ गया वहाँ बोला इधर आओ भैया ऑडिशन दो एक. मैंने ओके, मैंने दिया. मेरा फर्स्ट ऑडिशन था छोटे तेरा गाँव बड़ा प्यारा के लिए, जी मरुद्रा. तो वहाँ मैं सिर्फ ऑडिशंस करवाने गया था, अपनी कुछ फ्रेंड्स थी मेरी जिनको मैंने बुलाया था उस ऑडिशन के लिए, क्योंकि मेनली वहाँ लड़का लड़की दोनों के लिए, और तो मैं एज अ प्रोडक्शन गाय गया था, आई मीन क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत थे, मैं मॉडलिंग करता था जयपुर में, तो कुछ गुड लुकिंग फेसेस उनको चाहिए थे, तो मैं अपने फ्रेंड्स को लेकर गया था ऑडिशन के लिए, और ऐसे खुद टाइम पास करने. तो आशीष शर्मा, हम सब जानते हैं रंगरसिया और सिया के राम फेम आशीष शर्मा, ही वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ माई फर्स्ट शो. तो उनकी वाइफ शाम को आती है सडन, ऑल ऑफ सडन, एंड शी सेज कि सिर्फ उस लड़के को राजबीर का कैरेक्टर देना और किसी को मत देना. आई वाज लाइक कि मैं ऑडिशन देने तो आया नहीं हूँ यार.
तो देन शी वाज लाइक कि क्यों नहीं है ये वो. तो फिर हमने ऑडिशन दिया, प्रिपेयर किया मैंने पहले, उन्होंने खुद ने मुझे गाइड किया कि अरे यार ऑडिशन ही तो देना, मेरा लाइफ का पहला ऑडिशन था. तो मैं लिटरली मैं आई वाज लाइक शिवरिंग. तो उन्होंने मुझे 2-3-4-5 बार समझाया सिखाया और फिर अंदर जाके जब मैंने किया तो उन्होंने बोला नेचुरल परफेक्ट है. मैंने ओके. नेक्स्ट डे फिर लड़की फाइनल होनी थी तो जिज्ञासा जो था कि मेरी को एक्टर थी वही, वो भी वहाँ अपनी फ्रेंड को लेकर आई थी ऑडिशन देने के लिए. जब उन्होंने उसके साथ स्क्रिप्ट पढ़ी तो उनका कहना था कि यार मैं भी देना चाहती हूँ ऑडिशन, क्या मैं दे सकती हूँ. तो मैं एज ए प्रोडक्शन गाय मैंने बोला यार दो बिंदास दो प्लीज़ अगर आपको लगता है तो, और मुझे लग रहा है जो कैरेक्टर वो आप ही पे जाता है. तो हमारी ऐसी डिस्कशन हुई और फिर उन्होंने ऑडिशन दिया. फिर हम दोनों का साथ में मॉक शूट हुआ और हम दोनों फाइनल हो गए. तो 6 महीने एक शो चला, मैंने काफ़ी नॉलेज ली इंडस्ट्री के बारे में, कैमरा और लाइटिंग के बारे में. देन मैं फिर थिएटर में आ गया, फिर मैं शो से थोड़ा फेमस हो चुका था. फैमिली ने सपोर्ट किया था कि क्या यार तूने इंजीनियरिंग की है, कहाँ थिएटर में जा रहा है. फैमिली ने मुझे, हर फैमिली जो भी जितने भी पेरेंट्स होते हैं सब यही चाहते हैं कि जिस फील्ड में हमने डाला है बच्चा पढ़ाई की साइड जाए, एक्टिंग में कोई स्कोप नहीं है ज़्यादा. ऐसा कभी नहीं लगा मेरे, क्योंकि मेरे घर वालों को पता था मैं पढ़ लिख के कुछ कर ही नहीं सकता. मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ अपने दिमाग को खोलने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए. बट मैं पढ़ाई में कभी किसी के अंडर में जॉब करना और ये सब मेरे बस की बात थी नहीं हमेशा से, क्योंकि मैं अपने डैड के अंडर में काम नहीं करता था. मैं कभी टेक्सटाइल बिजनेस में घुसा ही नहीं. मेरा भाई आज भी पापा के साथ है, हम लोग बचपन से ही दूर हो गए. मैं नहीं कर सकता भैया ये काम, हमसे ना हो पाए. तो फिर पहले स्टार्टिंग में 4 साल जो मैं थिएटर में था तब मैं फालतू था लगता था उनको कि ना क्या कर रहा है, सारा दिन गायब रहता है. सुबह 7 बजे निकलता है कॉलेज के लिए, 2 बजे छूटता है, रात को 10 बजे घर आता है, 2 से 10 तक कहाँ होता है. मैंने थिएटर, मैं थिएटर में रहता हूँ तो खाना पीना को सब कुछ छोड़ छाड़ के हम तो स्क्रिप्ट की भूख होती थी. तो हम कहानियाँ पढ़ते थे, हम देखते थे और क्या क्या होता है और क्या क्या होता है. तो वो फर्स्ट इंटरेस्ट था, इसलिए इतना प्यार हो गया कि खाना वाना भूल के हमने 4 साल थिएटर को दे दिए. फिर वो हुआ था तब मुझे लगा कि यार मुझे लगता है कि मैं शायद करने से अच्छा करा सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ को समझा नहीं सकता. मतलब मैं नहीं समझा सकता बट मैं सामने वाले से निकलवा सकता हूँ कि समझ सकता हूँ किसी चीज़ को बहुत अच्छे से. तो मैंने सोचा शायद अपना ना करियर डायरेक्शन में कहीं जा रहा है, बुरा नहीं मान जाए कोई. थोड़ा सा मुझे ना मुझे अटेंशन पसंद होती है एक्चुअली, आदत हो गई ना इंडस्ट्री में रह रही कैमरा की. तो ऐसे ही कुछ हुआ और मैं फिर मुझे लगा कि शायद मैं डायरेक्टर बनने वाला. फिर मैंने वो सब छोड़ दिया, इंडस्ट्री कोई स्ट्रगल नहीं करना लाइफ में, मैं वापस थिएटर में घुस गया. फिर थिएटर में घुसा तो थपकी का ऑडिशन हुआ जयपुर में, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं धीरज सरना जी, वो जयपुर के ही हैं और सेम थिएटर के हैं जहाँ से मैंने थिएटर किया. तो वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे एक लड़की चाहिए अपने शो के लिए, थपकी अटकने वाली. उन्होंने ओके, जो अटक अटक की बात करी मैंने ओके. तो उन्होंने बोला सबसे ज़्यादा और से गुड लुकिंग लड़कियाँ कहाँ मिली, तो कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ICG करके कॉलेज जयपुर में जहाँ काफ़ी गुड लुकिंग लड़कियाँ हैं और इंटरेस्टेड भी होती हूँ, वहाँ सब मास कम्युनिकेशन का ये सब चलता भी है. तो ठीक है, हम लोग वहाँ गए, मैं उनको लेकर गया क्योंकि वो नए थे, बॉम्बे से आए थे, और मैं यहाँ का लोकल लाइट था जयपुर का, तो मैं उन्हें लेकर गया. तो वहाँ सिर्फ लड़कियों के ऑडिशन लेने थे, 40-50 लड़कियों के ऑडिशन लेने के बाद उन्होंने कहा कि तू क्यों नहीं देता ऑडिशन. मैंने बोला मैं ठीक है ट्राई कर सकता हूँ. उन्होंने वहीं खुद ही राइटर है तो उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई और मुझे बोला कि ये कैमरा के सामने उन 40-50 लड़कियों के साथ अकेले एक लड़के का ऑडिशन था, वो मैं था. ऑडिशन दिया, बोला कैसा रहा, अच्छा लगा, ठीक है चलो घर चलो चलो ये सब हो गया. अगले दिन मेरे पास 2 दिन के बाद की बॉम्बे की टिकट आ गई. हाँ एक्चुअली वो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे पूछा बॉम्बे जाने का मन है, मैंने बोला बहुत मन है, जाना ही है ऑफकोर्स, इस इंडस्ट्री को चुना है तो जाएंगे बॉम्बे. ठीक है, तो 2 दिन बाद मेरे पास बॉम्बे की टिकट आ गई, मैं बॉम्बे आ गया. फिर लड़की फाइनल नहीं हुई, मैं बॉम्बे आके रह रहा हूँ मस्त 3-3.5 महीने छुट्टियाँ काट रहा हूँ. तो मतलब स्टार्टिंग में लड़की फाइनल नहीं हुई तो उन्होंने मेरा पुराना शो देखा कहीं. फिर उन्होंने कहा कि ये लड़की कौन है. मैंने बोला ये ऐसे ऐसे लड़की है जिसने मेरे साथ शो किया 6 महीने, केमिस्ट्री कैसी तुम्हारी. उन्होंने अच्छी है, मतलब जैसे शो की रिक्वायरमेंट होती है अच्छी है. तो उन्होंने कहा इसको बोलो ऑडिशन दे. तो वो वहाँ मैडम बुखार में थी, दिल्ली में बुखार हो रहा था उनको, वो आ नहीं सकती थी ऑडिशन देने. तो उन्होंने दिल्ली में ही खुद ही रिकॉर्ड किया और भेज दिया. तो ऑफकोर्स वो पसंद भी आ गया और हम दोनों ने फिर एक और जर्नी शुरू की साथ में थपकी के नाम पे, जिसको 2.5 साल चलाया. काफ़ी मज़ा आया और भी बहुत कुछ सीखने को मिला इंडस्ट्री के बारे में, बॉम्बे के बारे में ऑफकोर्स, क्योंकि बॉम्बे का एक्सपीरियंस पहली बार हुआ. वो जो पहला शो था वो जयपुर में ही था. बस यही जर्नी है अभी तक की मेरी. उसके बाद फिर मैं इंडोनेशिया में, हमारी थपकी की वजह से इंडोनेशिया में हमारा चालू हुआ मीडिया वर्क, द मैन फ्रॉम बिकासी. ये तो एक पर्सनल मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फ्रॉम आंतेवे. आंतेवे के एक इवेंट्स काफ़ी हम लोग 2 बार करने गए, मैं अपनी सीरीज़ करने गया. फिर सीरीज़ करने के बाद जब शो बंद हुआ तो मैंने सोचा खुद को थोड़ा पैम्पर करते हैं. 1 महीने की मैंने बाली में छुट्टियाँ काटी, मस्त मैं आराम करके आया. वहाँ से आते ही 3 दिन बाद मुझे यहाँ से कॉल आया कि आपका चैनल से रेफरेंस है, प्लीज़ आप एक आके लुक टेस्ट से ऑडिशन करके जाइए. अच्छा ओके, मैं गया. लड़का पहले दिन फाइनल
अब लड़कियां नहीं फाइनल हो रही हैं, तो मैं लड़कियों के साथ लुक टेस्ट कर रहा हूं। मतलब आपके साथ हमेशा यही हुआ है कि आप पहली बार जब भी गए ड्रेस टाइंड, ऑफ कोर्स लकी हूं मैं हमेशा, तो आप सिलेक्ट हो गए, लड़की नहीं मिली कभी। हां, लड़कियों को हमेशा टाइम लगा है, मतलब लड़की फाइनल होने में टाइम लगा है, लड़का बहुत पहले फाइनल हो जाता है। तो थपकी में भी मैं पहला था जो फाइनल हुआ था, इवन इन दैट सीरियल ऑल्सो छोरे में भी सबसे पहले लड़का फाइनल हुआ, फर्स्ट मैं ही हुआ, थपकी में भी फर्स्ट मैं ही हुआ। यहाँ बाकी दिल्ली की कास्टिंग का मुझे नहीं पता, बट हीरो हीरोइन में मैं ही हुआ। तो आप थिएटर, जो आपने कहा मेरे को प्यार हो गया, चार साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ, तब थिएटर और वर्किंग ऑन स्क्रीन दोनों में से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड किससे हैं? दोनों से यार इक्वली कनेक्टेड हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं कभी दोनों को ज़्यादा किससे कनेक्टेड है? ज़्यादा अब तो इसी से कनेक्टेड हूँ क्योंकि थिएटर कहीं रहा ही नहीं मेरे जीवन में। मैं तो खुद सोचता हूँ कि यार मैं अगर ज़्यादा, थिएटर ने क्या सीख दिया आपको? सबको जो भी हूँ मैं आज की तारीख में, वो सब थिएटर है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं इतना शाय था ना अपने स्कूल टाइम तक, 11-12 तक मैं बोल नहीं सकता था किसी के सामने। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात भी नहीं कर पाता शायद अगर मैं उस लेवल पर होता। वो थिएटर ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया और इतना मुझे बताया कि मैकेनिज्म क्या है, हर चीज़ कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, उसका रीज़न क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, लॉजिक्स क्या होते हैं। लॉजिक्स ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग से सीखा, बट ये कनेक्शंस मैंने सारे इससे सीखे हैं। एक्टिंग क्या होती है, सब कुछ, रस कौन से होते हैं, नौ रस क्या क्या होते हैं, मूड्स क्या क्या होते हैं, किस किस कैसे कैसे मूड्स होते हैं, क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, ये सब मैंने थिएटर से सीखा। अच्छा, ऐसा कोई मूवमेंट आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि हाँ अब मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ, अब मुझे लोग पहचान रहे हैं? हाँ, यहाँ दिल्ली आके फील हुआ। दिल्ली आके बच्चे मतलब छोड़ते नहीं हैं, मतलब अगर हम लोग आउटडोर शूट पे चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अरे बिहान भैया ना, हाँ हाँ, आप उस पर आते हो ना, मैंने आते थे बोला, नहीं अभी भी आते हो इंस्टाग्राम पे? अभी भी नहीं, एक और चैनल है जहाँ हाँ, यूट्यूब पे, वूट सब पे, और रिपीट आता है, बोला आते हो ना, मैंने हाँ आते हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, अरे सब खुश रहते हैं, मज़ा आता है। तो अब लगता है कि हाँ भाई चलो, किसी को मतलब आप ऑन स्क्रीन क्या देख रहे हो, स्टोरी क्या चल रहा है वो ठीक है, बट ऑफ स्क्रीन भी अगर कभी मिलते हैं तो लोग खुश होते हैं देख के। सबसे बड़ा लाइफ का गोल मेरा ये है, सबको खुश करते रहो, तो खुश हैं बस, तो अब लगता है कि हाँ भाई अब हम कुछ हैं। तो राजवीर, करण, आयान, बिहान और नाउ भीम सिंह भुल्लर, आर्यन, आयान, आर्यन, सॉरी, भीम सिंह भुल्लर, आहो, और सबसे पहले मैं अमर उजाला। तो इन सब कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा मनीष गोपलानी बिहान ये मेरा ही है, मैंने बनाया, सब मेरा बनाया हुआ, और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स हमारे राइटर्स सल्यूट है उनको, जिन्होंने मुझे मौका दिया खेलने का, तो मैं उन चीज़ों के साथ खेल पाया, और इतना प्यारा निकलता था सब कुछ, लगता था कि हाँ भाई कोई स्टाइलाइज्ड है, कुछ सच में स्टाइल बनाई है। और ऑल थैंक्स टू मेरे डायरेक्टर्स जितने भी रहे, रंजन जी शुरुआत करूँगा, रंजन जी, मितेश जी, मयंक जी, और जितने भी जिन्होंने भी थपकी किया हमारे, धर्म जी स्पेशली, हम सब उन सबको थैंक यू जिन्होंने मेरे को स्टाइलाइज करने दिया, मुझे मौका दिया कुछ अपना इसमें इनपुट डालने के लिए। तो बस वो बिहान बन गया और बिहान सबका फेवरेट हो गया, तो कोशिश कर रहा हूँ भीम सिंह भुल्लर भी आप सबका फेवरेट हो जाए। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जैसे ही थपकी प्यार की खत्म हुआ, 2 साल बाद 2.5 साल बाद, तो मेरे लिए 2 साल थे पूरे, ये शायद सबको पता है, 29 जून 2017 मेरा आखिरी शॉट था और वो रैप अप था। मैं बहुत रोया था उस दिन, हम सब रोए थे कि बिहान अब जा रहा है, और आखिरी भी सीन मेरा ही था, आर्यन और बिहान दोनों में ही था, उस सीन में दो थे दोनों में। तो आपने थपकी प्यार की के बाद द मैन फ्रॉम बेकासी किया, तो ऐसा साथ था, वो साथ में चल रहा था। ओके, बीच में चक्कर बाद में देखने को मिला। तो ऐसा कोई आपका फ्यूचर गोल है या ड्रीम है कि अब इनके साथ कोलैब करना है, या कोई बॉलीवुड? सबके साथ मुझे सबके काम पसंद है यार, सब अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं भी मेरे लेवल पे ट्राई करूँगा, सबके साथ करूँगा। और अच्छा सोचा है कि मौका मिला तो यहाँ जरूर जाना है? मुझे रणदीपुरा सर के साथ काम करना है, सबके साथ करना है, सलमान खान, सब ऑफ कोर्स सबका, बॉलीवुड ही है हमारे पास लास्ट गोल, और क्या है, हॉलीवुड भी है, ट्राई कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, कोई मना ही नहीं है, करूँगा धीरे धीरे, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ यार बहुत। हम जब आपका डिटेक्टिव दीदी का ट्रेलर देख रहे थे, तो उसमें हमारी डिटेक्टिव दीदी ने बोला था कि लेट आना पुलिस का काम है, तो अब आप पुलिस मैन का, माचो मैन, जो एक बिल्कुल ही ऑनेस्ट पुलिस मैन है, उसका आप रोल कर रहे हो, बिल्कुल। तो क्या इतने सारे, अभी आपने देखे होंगे कि पुलिस के बारे में जितनी बातें होती हैं, और ये जो आपने सेंटेंस मैंने अभी बोला कि लेट आना पुलिस का काम है, पुलिस का रोल करके कुछ चेंजेस आपके जो भी थिंकिंग है पुलिस? आप लोगों ने बुलाया, मैं टाइम पे हूँ ये सबूत है कि मैं लेट नहीं हूँ,
ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये बातें सिर्फ बातें होती हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हमारी डिफेंस सर्विसेज की जितनी भी हैं, बट ये है कि हम लोग, जैसे मैं इस कैरेक्टर को कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर काफ़ी सारी, मुझे पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो पुलिस है और मैं अपने साथ साथ पूरी पुलिस को दिखा रहा हूँ। अगर मैं सिस्टम में पुलिस बनकर आया हूँ तो मैं पुलिस के, मुझे उस दायरे में रहना पड़ेगा। पुलिस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो यही हम लोग इस शो के थ्रू बोलना भी चाहते हैं कि डिटेक्टिव दीदी एक आम आदमी है। एक आम आदमी अगर किसी केस को सॉल्व करने जाएगा तो वो किस रूट से करेगा, और एक पुलिस वाला अगर उस कैरेक्टर को करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि हमारे पास पूरा एक सिस्टम है, हमें उसके थ्रू चलना पड़ता है, हमें वाया आना पड़ता है। अगर मैं उसी जगह, मैं आम आदमी हूँ, मैं डिटेक्टिव हूँ, तो मैं डायरेक्ट कुछ भी कर सकता हूँ, छुप के कुछ भी कर सकता हूँ, बट पुलिस को हर चीज़ की रिपोर्ट देनी होती है, हर चीज़ के लिए सबूत चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं एक सिस्टम फॉलो करता हूँ और यही, और डिटेक्टिव दीदी हमारी है जो वो डायरेक्ट काम करती हैं, वो उनको सिर्फ खुद को बताना है कि क्या क्या मिला, पुलिस को पूरे सिस्टम को बताना है कि उसको क्या मिला, तो वो वहाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज, हमेशा पुलिस कभी लेट नहीं, अगर पुलिस ना होती तो हमें पता नहीं चलता कि क्राइम क्या क्या होता है, तो ऑफकोर्स तो पुलिस को ऐसे मत कहो कि वो लेट आती है, बट वो आती है, आती तो है। हमारी बेस्ट विशेज बिल्कुल आपके साथ हैं, सभी के आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं जितने भी इंस्टाग्राम पे और जितने भी आपके फैंस हैं, धान, बिक्की एंड बहुत सारे, उनके लिए कोई मैसेज? सॉरी गाइस, सबसे पहले कि मैं इतने दिनों तक तो इंस्टा पे एक्टिव नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी चोट लग गई थी और मैं ऐसी फोटोज आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता था। तो फाइनली अब मैं ठीक हूँ, वापस एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द, और अभी इन दिनों मैं यहाँ भी बहुत बिजी हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, काम करते वक्त मोबाइल मेरे जेब से हाथ निकलता नहीं है बाहर, क्योंकि मोबाइल चलाऊँ तो मैं जेब में रखता हूँ हाथ को, इसलिए अभी इन दिनों मैं इंस्टा पे बहुत वीक हूँ, बट आप लोगों का प्यार, मैं टाइम मिलते रजाई में घुस के ऐसे पढ़ता रहता हूँ कि आप लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोगों की क्या क्या डिमांड्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी पूरी हो जाए, और ऑफकोर्स थैंक यू सो मच टू यू जो आप लोगों ने एक और मुझे मीडियम दिया अपने फैंस से रूबरू होने का। अभी खत्म नहीं हुआ? नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ ऑफकोर्स, बट मैम जस्ट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैसेज तो फैंस के लिए था, लेकिन मैं जो अनवील विद दिव्या मल्होत्रा है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज को अपने शो पर लाते हैं। मैं हूँ नहीं तो नहीं, आप बिल्कुल है, इंस्पिरेशनल हैं आप, क्योंकि गाइस सबको पता है कि अगर कोई भी एक सीरियल है, कोई भी सोप ओपेरा है, अगर वो 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा एक जो भी हमारे एक्टर्स हैं वो थोड़े टाइम के लिए दिखते नहीं हैं, को होता है ऐसा कि थोड़े टाइम के लिए नहीं दिखते। थैंक्स टू माय मॉम, माय लक। लेकिन मनीष के साथ ऐसा नहीं था, जैसे ही थपकी बैठ की खत्म हुआ हमें थोड़ा वो यार बिहान चला गया, यार बिहान चला गया, भीम आ गया, भीम आ गया, भीम आ गया। उसके बाद द मैन फ्रॉम बेकार, करण, जितने भी सब लोग थे, करण को उन्होंने देखा और वो खत्म होते ही फिर हमें डिटेक्टिव दीदी में आप देखने को मिल गए, तो बेस्ट विशेष हमारी हमेशा आपके साथ। सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी आ रहा है, हान्या काम हूँ, मेरा गाया हुआ गाना जो मैंने इंडोनेशियन भाषा में गाया है वो आने वाला है, मैं कोशिश करूँगी इंडोनेशियन जितने भी फैंस हैं वो खुश हो जाएं। तो मनीष, आपको बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला था, कलर्स गोल्डन पेटल अवार्ड जी, तो उस टाइम जब आपके हाथ में वो ट्रॉफी थी तो तब क्या सोचा था कि अगर मैं इंजीनियर होता तो ये मैं आज टीवी पे खड़ा होकर प्रेस्टीजियस अवार्ड ना ले रहा होता, कुछ ऐसा सोचा था? नहीं नहीं यार, इंजीनियरिंग होना बहुत जरूरी है, इंजीनियर मेरे अंदर का जो इंजीनियर है उसका भी कहीं ना कहीं हाथ है मेरे उस अवार्ड में, वो एक्सपेरिमेंट्स में सब मैंने अपने इंजीनियरिंग में सीखे हैं, मेरा दिमाग, लोग इंजीनियर्स का मजाक उड़ाते हैं। नहीं नहीं हाँ, एक्चुअली इंजीनियर्स सबसे बड़े जुगाड़ू होते हैं, जुगाड़ू मतलब जो सिचुएशन जब जैसी चाहिए वो बना देते हैं, तो मेरे मुझे एक्टिंग में काफ़ी हेल्प मिली उससे, तो उस अवार्ड में कहीं ना कहीं मेरी इंजीनियरिंग भी थी, तो एक्चुअली हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि ना, बचपन से मम्मी तो हमेशा सबके साथ ही रहती है, तो थिएटर में मेरी मॉम मेरे साथ ही, डैड को ऐसा लगता था कि यार तू क्यों टाइम वेस्ट करता है, चल बिजनेस में आ जा, मैंने बोला नहीं मैं बिजनेस नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो फाइनली डैड ने मुझे कहा कि तुम प्ले करते हो, तुम्हारे प्ले की फोटो पेपर में नहीं आती, क्या चक्कर है, मतलब बाकी सबके प्ले आती है, मैंने बोला ठीक है लो, अभी लो, खुद ने डायरेक्ट करना शुरू किया, 2-3 छोटी छोटी स्टोरीज, नेक्स्ट हफ्ते से ही मतलब हर हफ्ते कोई ना कोई पेपर में फोटो आती थी मेरी, फिर डैड ने कहा कि तुम्हारे पे अवार्ड्स अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, तुम्हारे थिएटर में तो नहीं मिलते, कॉलेज में ट्राई करता हूँ, तो कॉलेज में कुछ हमारे इवेंट्स होते थे तो उसमें अपने अपने ग्रुप्स उतारो, ये करो वो करो, तो अवार्ड्स लिए वहाँ, कॉलेज का फर्स्ट वो था रन अप में, तो वहाँ अवार्ड मिले, तो डैड खुश, फिर डैड ने कहा कभी टीवी पे आओ, तो मेरा सीरियल शुरू हो गया छोरी तेरा काम बड़ा प्यारा, तो हमेशा ऐसा मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ाने वाले मेरे मॉम डैड ही हैं, मॉम ने सारा दिया, पापा ने सिर्फ आगे से खींचा कि बेटा यहाँ जाना है अब नेक्स्ट लेवल, हमेशा मेरे डैड ने दिया मुझे, ऑफकोर्स चैलेंजेस दिए उन्होंने, बताया कि ये भी तो होता है, ये करके दिखाओ, मैंने लो उसमें घुसा, हर चीज़ ऐसे मतलब इसको मैं ऐसे मानता हूँ, मेरे पापा ने मुझे आगे खड़ा होकर खींचा है, मॉम ने पीछे से धक्का मारा है, तो मेरी
चालू हुई है. हम विश करते हैं कि आपके डैड ये जरूर बोले कि बॉलीवुड में आकर दिखाओ. तो आ गया था मेरे पास ऑफर, बताऊंगा नहीं, बट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था. कोई बात नहीं, तो मैं कर नहीं पाया. मनीष, अब हमारे पास आपके लिए गेम है. यस, स्पेशली इस गेम को हमने आपके लिए बनाया, स्पेशली हमारे आज ही पहली बार ये गेम हम खेल रहे हैं इस शो में. तो ये गेम है द विस्पर चैलेंज गेम. कानों में लगा देती हूँ, आप लगा लीजिए, और बहुत फुल वॉल्यूम पर मैं सॉन्ग चला दूंगी. नहीं, मुझे वैसे भी सुनाई नहीं दे रहा है. क्या बोल रहे हो आप? कोई बात नहीं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कहीं एक कान से उठाना. नहीं नहीं, लाओ मैं खुद ही अपना फेवरेट सॉन्ग ही सुन लेता हूँ. नहीं नहीं, फेवरेट क्यों, फिर तो म्यूजिक सुनना है ना. मैं लगाती हूँ, एक मिनट मैं लगाती हूँ. हाँ, आप ही चलाओ, बट अच्छा चलाओ. फुल वॉल्यूम में होगा तो आपको बताना होगा क्या है. मटर गश्ती. एंड ये गाना मैं ऐसे ही चलाऊंगी कि बिल्कुल कुछ ना सुनाई दे. चलेगा, बट मेरे कान के पर्दे ना फटना चाहिए. आई एम सॉरी अगर ऐसा हो जाए आज तो. अगर आपका डांस करने का मन करेगा आपको भी कर सकते. ओके, मैं चेक कर लूँ. कुछ सुनाई तो नहीं, कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा. अरे ऐसे बोलोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा. कुछ सुनाई तो नहीं. तो ये जितनी भी मैं 10 फिल्म्स के नाम बोलूँगी आपको वो लिप सिंक पहचान कर. तो थोड़ा लाउड करना पड़ेगा आपको. नहीं तो फिर तो आपको पता चल जाएगा ये आपको. नहीं मतलब हाँ, सिर्फ लिप सिंक करो, बट लिप सिंक मूवमेंट्स लाओ. तो गाइस देखते हैं कि मनीष इसे पार कर पाते हैं या नहीं. फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग. ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, मतलब थोड़ा सा लाउड बोलो ना. जो होगा ऐसा. जो जीता वही सिकंदर. जो जीता वही सिकंदर. फर्स्ट सेकंड माँ मेरा प्यार. कौन सी मूवी है प्लीज मुझे बताए कोई. मेरा पहला पहला प्यार. भाग माँ. भाग प्यार. भाग प्यार. भाग मिल्खा. भाग नहीं, ये हटाने नहीं आपको. नहीं मतलब ओके थोड़ा इसको सेकंड कट. नहीं थोड़ा अपन स्लो कर लेते हैं, थोड़ा चीट भी कर लेते हैं लाइफ में. लगाओ. ओके तो मैं आपके टोटल स्कोर जो होगा वो मनीष का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो सेकंड ही हार गए हैं उसका था, आप सुन सकते हो, वो था भाग मिलका भाग. ऐसे okay. प्यार प्यार भाग भाग. ओके सो थर्ड स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट. नहीं समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं खेला. स्टूडेंट 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 स्टूडेंट. सुगंध. स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ द ईयर. कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं. ओके स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ द ईयर. स्टूडेंट ऑफ द ईयर. दुल्हन हम ले जाएंगे. भी नहीं हम वेरी बैड. मेरे को वैसे मूवीज के नाम याद नहीं रहते. Student of the year. Okay, so Manish, ये भी cross. Now fourth. Okay. No cheating. No cheating. Okay, okay. Fourth. बद्रीनाथ की दुल्हनिया. बद्रीनाथ की दुल्हनिया. बद्रीनाथ की दुल्हनिया. Four में से 2. Okay. Next. जब we met. आप मूवमेंट करो, सिर्फ लिप्स का मूवमेंट करो. जब वी मेट. जब वी मेट. नेक्स्ट पड़ोसन 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 परो पड़ोसन पड़ोसन पर्यूषण. पॉल्यूशन नाम की कौन सी फिल्म बनी है? मनीष बनाने वाले पड़ोसन पड़ोसन परो. आगे यू हैव ए क्लोज पड़ोसन परोपकार पड़ोसन. कोई मूवी नहीं पता मुझे परो के नाम पे. पड़ोसन पड़ोसन. ओके नेक्स्ट हम
दिल दे चुके सनम. हम दिल दे चुके सनम. इतना बड़ा तो एज नाम. ओके नेक्स्ट. रंग दे बसंती. रंग दे बसंती. रंग दे बसंती. रंग दे बसंती. ओके ओके नेक्स्ट. बजरंगी भाईजान. बजरंगी भाईजान. बंटी भाग जाएगी. बजरंगी भाईजान. यार ये एकदम से लाउड कैसे हो जाता है. बजरंगी भाईजान. बजरंगी भाईजान. लास्ट. कितने हो गए? लास्ट 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 लास्ट. उड़ता पंजाब. उड़ता पंजाब. खुल जाए सिम सिम. पंजाब. उड़ता उड़ता पंजाब. ओके लास्ट लास्ट टाइम. उड़ता पंजाब. उड़ता पंजाब. ओके यू किल इट. I tried my best. देखो. My guys, ये song था मल्हारी जो मैंने मल्हारी और ये actually और ये अचानक से एकदम से loud हो जाता है. Concentration power बहुत अच्छी है मनीष की. So Manish, thank you so much हमारे show पे आने के लिए. Anytime. Thank you so much for giving me this chance. इसमें एक और medium मिल गया मेरे दोस्तों को और चाहने वालों को मुझे देखने का और मेरे बारे में थोड़ा सा बाकी तो सब जानते हैं थोड़ा सा और जानने का. हमें भी. So guys, if you like this video, do like, share and subscribe this channel. Thank you. Life का सबसे बड़ा surprise. मैं बताने वाला हूँ कि पहले सवाल पूछने. आपको पता है कि sorry, 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 sorry. हाँ.